ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ 21 ਕਨਾਲਾਂ ਜੀ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਉਰੇ ਤੇ ਆਹ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੱਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖੰਭੇ ਤੱਕ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਖੰਭਾ ਖੜਾ ਜੀ ਵੱਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਧ 'ਚ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ बाकी थोनू इधरों दिखाने जी आह जमीन इधरों जाती है जी ये इधरों भीर जी आ वट है ये इधरले पासे ते देखो जी बट तो इधर इधर जमीन है जी वह खंभा खड़ा है वो थोड़ी जी वह खंभे तक जाती है जी ये सामने थोनू खंभा खड़ा दिख रहा होना जी वह देखो जी ये जमीन का 40 ये 40 लाख के रेट में जी पाई है जमीन पाई ने जी एदा थोनू कॉन्टैक्ट नंबर दे देना जी वो तुम्हें वो बाई जी गल कर लियो 40 लाख भीर जी रेट है ये होगी जी मोटर वाली पिछे जमीन एक थोनू होर ये पिछे जी 10 कनाल ये उरे ते जी आ तौड़ सांझा जी ये वो पिछे जड़ी रोड बसी तो जी अपना बासकंदर नू जांदी है जी अगे गोबिंदगढ़ नू जी वो ते है जी उतों लेके जी जिहड़ी थोनू बट दिखाई सी किसी होर की जमीन है जी विचले पासे जी वीर जी ये मोटर 3 किलिया 2.5 किलिया ते जी मोटर है ये 2.5 किलिया की दूरी ते सड़क तो जी फिर वीर जी एदा दा या 10 कनाल आ पईया जी इन्हां नू मेन रोड लगती है जी इन्हां नू ये 10 कनाल नू जी आ पाइप आया होया कढ़िया होया जी उरे ये जे किसी मेरे वीर ने कली भी लेनी है 10 कनाल जी तो वह भी दे देंगे जी हाँ ये कच्चा रास्ता जी थोनू मैं रोड तो दिखाने जी तो ये वीर जी अपन 10 कनाल जो तुम कले ने वीर ने सड़क से कुछ अपना काम कार कोई शुरू करना हो वास्ते ले सकता जी45 लाख रुपया जी किले का जी लो वीर जी आ सड़क जाती है जी मेन थोनू दिखाई सी पहला भी ते हुण भी इधरों दिखा दिंदा जी मैं थोनू फ्रंट दिखा दिंदा जी वीर जी फ्रंट है जमीन आ उ बसी ते रोड आ जी जड़ी आ बसी ते रोड आ जी देखो जी चौड़ी ये रोड अपना उत्थे लख जांदी है जी बासकंदर अगे डडेड़ी जी गोबिंदगढ़ जी आ रस्ता जी आ जमीन का फ्रंट है जी आ उरे तो लेके जी ए बट तो ए बट तो लेके जी ए ओ जड़ा कच्चा पहा थोनू दिखाया जी ओदे तक है जी ओ खंभा जी जड़ा पोल खड़ा है पानी वाला उत्थे तक है वीर जी ओके वीर जी नंबर थोनू थले लिख देना जी ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते जी कोई चक्कर नहीं है मालक का सीधा नंबर है जी
ओके वीर जी, सत श्री अकाल सारयां नूं। जे पसंद आई तां कमेंट ते शेयर जरूर करियो जी। ओके वीर जी, धन्नवाद जी, सत श्री अकाल जी।